कोटा में मादक पदार्थ तस्करी के करीब 3 साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने 2 तस्करों को 5-5 साल की सजा सुना दी है। सजा के साथ आरोपियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। विशिष्ट लोक अभियोजक संजय विजय ने बताया कि रामपुरा थाना पुलिस ने साल 2016 में 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा था और तलाशी में तस्कर शाहिद के पास से 20 ग्राम और कन्हैया उर्फ कन्नी राम के पास से 60 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी और इसी मामले में दोनों आरोपियों को दंडित किया गया है। बारह 16 की बात है, थाना कोतवाली पुलिस के प्रकाश चंद एसआई ने गश्त के दौरान जब गश्त करी तो 2 मुलजिम जो संदिग्ध अवस्था में थे उन्हें पकड़ा और एक का नाम शाहिद था और एक का नाम कन्याराम उर्फ रुन्नीराम उर्फ कन्नीराम। जिनमें दोनों की तलाशी ली तो कन्नीराम के पास में 60 ग्राम इसमें के लगभग बरामद हुई और 20 ग्राम बरामद हुई इसके पास शाहिद के पास और दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 8/21 में माननीय न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट के अंदर चालान पेश किया। दौरान चालान 14 गांवों के बयान लिखबद्ध किए गए और आज माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश ने इनको दोनों को कठोर दंड से सजा याब करते हुए दोनों को 5-5 साल का कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने से दंडित